पलटी मारने के बाद से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष का हर एक नेता उन पर रोजाना तीखे तीखे बाण छोड़ रहा है। कोई पलटूराम बोल रहा है तो कोई धोखेबाज। लेकिन अब एक ऐसी सियासी पार्टी सामने आई है जिसके नेता ने बिहार के सुशासन बाबू के दर्द और इंडिया अलायंस छोड़कर जाने की उनकी मजबूरी को समझ लिया। हालांकि वो बात अलग है कि दर्द बयां करने का तरीका नीतीश को पसंद नहीं आएगा। नाम है केशव देव मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी महान दल के नेता हैं। उन्होंने नीतीश के एनडीए में जाने को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। वो नीतीश के बारे में इस पोस्ट में लिखते हैं, बेचारे नीतीश कुमार को सब कोस रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। आगे बढ़ने के लिए एक बार गुलामी स्वीकार कर लेने वालों को बड़ी ताकतें किस प्रकार नचाती है, इसका जीता जागता उदाहरण नीतीश कुमार है। इसके साथ ही केशव देव ने फनी फोटो भी एक्स पर शेयर की, जिसमें एक शख्स दिख रहा है और एक घोड़ा। घोड़े पर लिखा है नीतीश कुमार। इस कैरिकेचर के लिए केशव देव ने नीतीश को गुलाम बताया, जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए घोड़े की तरह बीजेपी जैसे बड़े दलों के सामने नाचता रहता है। फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है, उसे उनकी छवि न सिर्फ राजनेताओं के सामने बल्कि जनता के सामने भी खराब हुई है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या बिहार की जनता आगामी चुनाव में एनडीए और जेडीयू को दिल खोलकर वोट करेगी।